भारत के इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया। हर मध्यम वर्ग के परिवार 15 साल से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को ये काम कभी करने की हिम्मत नहीं हुई। आज वो काम हमने कर दिया है। फ्रेंड्स, आई एम डिलाइटेड दैट ए गर्ल्स हॉस्टल इन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी इज बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन। दिस विल कैटर टू द नीड्स ऑफ सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट who study in Bangalore. Friends, these youngsters may be away from home, but the central government is always there for their welfare. It is my privilege that the NDA government has got the opportunity to work extensively for the Northeast. We have put top priority for the development of the Northeast. This includes ensuring proper infrastructure, power connectivity, harnessing water resources, better healthcare, education and more. साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। मध्यम वर्ग के साथ साथ हमारे किसान और हमारे मजदूर साथियों के लिए 2 हफ्ते के भीतर भीतर 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च कर दी गई, लागू कर दी गई। कल ही देश भर में असंगठित क्षेत्र के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए नियमित पेंशन की योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू हुई है। इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3000 रुपये नियमित हर महीने पेंशन तय किया गया है, यानी साल भर में करीब करीब 40,000 रुपया बुढ़ापे में उसको काम आएगा। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, खेत मजदूर है, आपके घर में कपड़े धोने वाला है, या कोई रसोई बनाने वाली बहन आ रही है, या आपका ड्राइवर है, या आपकी सोसाइटी में लिफ्ट चलाने वाला है, या दूध देने आता है, सब्जी बेचने आने वाला है, अखबार बेचने के लिए आने वाला है, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, जब शरीर काम करता है तब तक तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब शरीर काम करना ढीला हो जाता है तो अपने भी रिश्तेदार बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। ये मोदी सरकार है, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ रही है और 60 साल के बाद उनको 3000 रुपया पेंशन हर महीने मिल जाए, ताकि वो सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। और 42 करोड़ लोग इसका फायदा ले सकते हैं, 42 करोड़। इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें यहां बैठी है, हमने अभी गुमंतु समुदाय के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का इस बजट में घोषणा की है। इस गुमंतु समाज के वेलफेयर बोर्ड से समाज में गुमंतु समाज है जिसमें हमारा बंजारा समाज भी है, उनके वेलफेयर के लिए पहली बार देश में अलग बोर्ड बनाने का काम
हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मुझे कोली समाज के सभी नेता मिले, उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके इस समर्थन के लिए। साथियों, कामगारों की ही तरह देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना तय है। इसके तहत केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा करने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया हर साल। All right, that was Prime Minister Narendra Modi, who is in Kalburgi in Karnataka, where he will be going to launch various development projects, also highlighting various development projects in sectors, including the energy, health and education. In fact, he's also likely to dedicate the Income Tax Appellate Tribunal terminal at Bengaluru.